बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालों, मेरे सारे भैन आते भरावान, अल्लाह पाक हमें चाहते हैं खुश रखे, आबाद रखे, जरे दफ्तर दीवान अल्लाह पाक तेरे दूर करे, तेरी जिंदगी खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तुम सारा चैनल देसी विलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जरा बेल का बटन प्रेस कर लो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो बर वक्त तुम्हें मिल सके। मैं और बजुजमा शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भाई असलम होना दी दावत है जी दिल, क्योंकि ईद वाले आ नहीं सके। उन्होंने कहा भी अच्छ शाम का खाना तुम साढ़े ना खाओ, तो शाम के खाने तो दोनों भैन बना रही हाँ चावी नमकीन गोश्त। सब तो पहले तो मसाले तैयार कर लें। अब्बा जी कदी कदी जो पिछले टाइम पीते अबा जी मंजी चौके लिया मैं मंजी चौके लिया पानी उसमें पानी दे पाई मसाले वगैरह मैं तैयार कर लिया, नाल नाल चाय भी पी ली अब्बा जी ने भी, बाजी उजमा ने मैं भी। और बाजी उजमा अदरक लहसुन का पेस्ट कुट रही है ते सारिया चीज़ा तैयार आ ते हुण सालन बनाना शुरू कर दें। सारिया चीज़ा तैयार करके मैं रख लिया वा ते हुण एक असी देगची लई आ, चुल्हा बाल लेंगे आ। देगची दे विच मैं ऑयल पा लिया वा, ऑयल चंगी तरह गर्म करते हैं। माशाल्लाह पहले दिन देखती वड्डी चढ़ाती सिलेंडर ते, सिलेंडर ते ओतन कदे चुकाया सी देखती चुकाया सी चुल्हे ते चुकाया सी चुल्हे ते चुकाया कोई नहीं ते कर देगा टाइम पता लगी हो गया 4:30 भी लंघ गए सन गंडा कर दें चाय पानी पीनी कोई गल नहीं रात अपनी है भाजी यार बेचारा शरा कट के अपना शरा कट के अपना काम करके फिर ही आएंगे पक जाना है लेकर। ऑयल गर्म हो गया है हम अपने गोश्त पा लेंगे। ज़्यादा सी बर्तन एक छोटा सी दो बर्तन लिए मिक्स कर दें दो मिनट वास्ते ऑयल दे के ना गोश्त पा के तकरीबन 5 मिनट वास्ते पकाया है। गोश्त का कलर चेंज हो गया, मैं अदरक ते लहसुन का पेस्ट पा देनी है ते 3-4 मिनट वास्ते और पकानी है। चंगी तरह मिक्स कर देनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट पा के 3-4 मिनट वास्ते पकाया है। हम असं पाने बरीक कटिया हरिया मिर्चा, नाल ही असं पावे काली मिर्च, नमक, भुना कुटा सफेद जीरा ते कुटिया हरा धनिया। बच्चा सही करता है बचाया। मिक्स कर दें ते 5 मिनट वास्ते पकाने हैं। और हलाने का भी हिम्मत चाहिए। माशाल्लाह Thank you.
हरिया मिर्च और मसाले पा के 5 मिनट वास्ते पकाया है। हम असि जरूरत के मुताबिक पानी पा दें। चंगी तरह मिक्स कर लेनी है। कवर करके 1 घंटा पका लेनी है। पानी पाता वा 1 घंटा कवर करके पकाना वा। जिनी देर तक कोई भी गलता वा पकता वा 1 घंटा तो उन्नी देर तक असं रोटियां बना लेंगे। बजू मैंने आटा पहले ही खोल रख लिया वा फिर रोटी पका लेने बाद जाके देखते हैं। फिर एक दफा चम्मच गुड़ के बाद चलो जी तुम पकी जाओ। बच्चे बोलता बच्चे मौत लगी बाजी पता क्यों रोटी नहीं बनती आटे में लेट हो गई पूरे गर्मियों में ढंग से पक गई मैं ताने कैसे आप बना ली और जो मौसम है मेरे भी लगता और भी कर दी ना फिर अद्धी मिट्टी अद्धी रोटी अच्छा सालन मिक्स हाल जाए रोटियां ला दें डब्बू दो पौने पा के मौसम ही खराब होता है मौसम खराब इसलिए तो रोटियां पकाई बस जो ये रोटियां ना अंदर रख दो गर्म रहे तो मैं सालन देखा इस तक क्योंकि उत्थे तो पहुंची आ वा मलता आ के पिंडी एक घंटा कवर करके पका लिया है। गोश्त मसाला साडा गल गया वा
अगर तुम इस तरह पसंद करते हो थोड़ा बिच शोरबा मतलब पानी होवे तो तुम इस तरह भी ले सकते हो। साडे घर च खुशक खाधा जाता वा, असी पानी खुशक कर देंगे तो नाल असी पा लेंगे लबाई च कटिया अदरक ते पानी नूं चंगी तरह खुशक कर लैंदे आ। पानी सारा खुशक हो गया वा, सालन साडा हो गया तैयार। अंगीन गोश्त हम पाज बनी आंदे आ ते फिर खाना शुरू करते हैं। चौधरी साहब बाहर चले गए, भाजी तुम नेड़े लियो कैमरा, भाजी मैंने कहन डे भी आप ही दिखा लो नेड़े करके। माशाल्लाह माशाल्लाह नमकीन गोश साडा हो गया तैयार। हम चूल्हा बंद करते हैं, बर्तन वगैरह निकाल लेने हैं ते फिर भाजी हुनी आते खाना खाने। तुहाड़ी परे आप जैत कोई बंदा नहीं मुका सकता। उधर मेरा पुत्र हो जा। अच्छा जी परौने आ गए ने ते खाना भी तैयार है ते मौसम का कोई पता नहीं केड़े वेले बिगड़ जाए, इस वास्ते छेती छेती खाना खान वाले पासे आने। शाह ने पानी लगाया, पानी चलो खा कर।